इसी बात को थोड़ा दिमाग में रखते हुए आइए यहाँ हम मुसफ्फी की एक गजल जरा तरन्नुम से आपके सामने पेश करते हैं। तरन्नुम हम जब थोड़ा थोड़ा अख्तिताम होने लगता है हमारे इसमें तो हम लोगों को आप बुलाते हैं जो कि तरन्नुम से आपके सामने पेश करेंगे। और गजल पेश करने वाले जनाब असद खान साहब हैं जो आज पहली बार हमारी महफिल में शिरकत कर रहे हैं। तो हम असद खान साहब को खुशामदीद कहते हैं और उनको बुलाते हैं कि वो ये गजल तरन्नुम से पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। रैंडम से नहीं है, गा के पेश करें। बड़े अच्छे सिंगर हैं, आपको नहीं मालूम? ये वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? बहुत जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। अरशद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा, पहली दफ़ा मैं शामिल हो रहा हूँ इस महफिल में। तो जो गज़ल मैंने चूज़ की है, वो मैं तरन्नुम के साथ ही सुनाऊंगा। गजाली साहब की फरमाइश किसी और दिन पूरी कर दूंगा, लेकिन ये भी अच्छी गजल है, आप लोगों को पसंद आएगी। तो मैं शुरू करता हूँ। पूछ इश्क के सदमे उठाए हैं क्या क्या, न पूछ इश्क के सदमे उठाए हैं क्या क्या, शबे फिराक में हम तिल मिलाए हैं क्या क्या, शबे फिराक में हम तिल मिलाए हैं क्या क्या। मैं अच्छा, उसके हुस्न के आलम की क्या करूं तारीफ, मैं उसके हुस्न के आलम की क्या करूं तारीफ, न पूछ मुझसे के आलम दिखाए हैं क्या क्या, न पूछ मुझसे के आलम दिखाए हैं क्या क्या। जरा तू देख तो घर से निकल के ऐ बेमहर, जरा तू देख तो घर से निकल के ऐ बेमहर, के देखने को तेरे लोग आए हैं क्या क्या, के देखने को तेरे लोग आए हैं क्या क्या। जरा तू देख तो सनाए दस्ते कुदरत ने, जरा तू देख तो सनाए दस्ते कुदरत ने, तलेस्मे खाक से नक्शे उठाए हैं अच्छा क्या क्या, तलेस्मे खाक से क्या बात कही नक्शे वाह। उठाए हैं क्या क्या। कोई पटकता है सर, कोई जान खोता है, कोई पटकता है सर, कोई जान खोता है, तेरे खराम ने फितने उठाए हैं क्या क्या, तेरे वाह वाह, खराम ने फितने बहुत उठाए अच्छे। हैं क्या क्या। जरा तू आन के आबे रवां की सैर तो कर, वाह वाह क्या बात जरा तू आन के है। आबे आबे रवां रवा की किसे। सैर तो कर, हमारे चश्म ने चश्मे बहाए हैं क्या क्या, वाह हमारे चश्म ने
चश्मे बहाए हैं क्या क्या, और आखिरी शेरन, निगाहें गौर से टुक मुसहफी की जानब देख, निगाहें गौर से टुक मुसहफी की जानब देख, जिगर पे इसने तेरे जख्म खाए हैं क्या क्या, जिगर पे इसने तेरे जख्म खाए हैं क्या क्या। शुक्रिया जी, बहुत खूबसूरत और आवाज भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। आवाज तो खैर खुदादाद है लेकिन तरन्नुम आपका बहुत खूबसूरत, आपने बहुत खूबसूरत। हमारी दरख्वास्त होगी आपसे कि आप हमारे प्रोग्रामों में बाकायदा हर माह शिरकत करते रहें, अब बकौल शख्स से हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अर्शद भाई मैं आपको मैं ही कहने वाली थी कि आप ना अपने गूगल कैलेंडर में ये टाइम इसी वक्त डाल लें और जूम लिंक वहीं लगा दें इसी वक्त, लाइक अभी आप हर आप हर हमेशा जरूर आएगा हर महीने। बहुत खूबसूरत, अब हम आगे बढ़ते हैं। मुसफी की किताबों की तादाद भी कसीर है, यानी अब आपके 8 दीवान उर्दू शायरी के हैं, 8 दीवान, एक दीवान फारसी का है, एक किताब फारसी शोरा के तस्करों की है और 2 किताबें उर्दू शोरा के तस्करों की लिखी गई, और इन सब के साथ साथ उनका वो बेशुमार कलाम ऐसा भी है जो उन्होंने बेच दिया और वो हमारे सामने नहीं है। तो यही बात ज़ेबा रिज़वी ने अभी अभी कही कि इनका जो कलाम हमारे पास है वो इतना खूबसूरत है और जो कलाम बेच दिया जो उनके नाम से हम तक नहीं पहुंचा वो कितना खूबसूरत होगा। तो एक तरह जिसे कहते हैं ना, जो ज़ेबा रिज़वी साहिबा ने कहा कि शायर बिक गया कहना चाहिए, लेकिन जो भी है तो ये बात इस तरह से है कि काफी उनका जो जो अदब में से एक क्या कहते हैं जुल्म हुआ है एक अदब के साथ। तो ये प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, तो हम मुसफ़ी की एक और गजल गायकी के साथ पेश करते हैं जो सुनाएंगे जनाब जावेद काजमी साहब, और वो भी हमारी पहली दफा महफिल में आए हैं और एरिजोना से आए हैं, तो वो एरिजोना से शरीक कर रहे हैं। और जावेद काजमी साहब सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी शुक्रिया, तमाम शुरका को मेरी तरफ से सलाम, और मैं अरशद भाई का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे मौका फराहम किया। मुसफ़ी साहब की ये गजल है जो कि ताशी भाई ने मुझे सिलेक्ट करके दी है और इसकी कंपोजिंग भी ताशी भाई की है, पेशो खिदमत है। तुम भी आओगे मेरे घर जो सनम क्या होगा, तुम भी आओगे मेरे घर जो सनम क्या होगा, मुझ पे एक रात करोगे जो करम क्या होगा, तुम भी आओगे मेरे घर जो सनम क्या होगा, एक आलम किया है सफरे मुल के अदम, हम भी जाएंगे अगर सूए अदम क्या होगा,
हम भी जावेंगे अगर सूए दम क्या होगा, दमे रुखसत है मेरा आज मेरी बाली पर, दमे रुखसत है मेरा आज मेरी बाली पर, तुम अगर वक्फ करोगे कोई दम क्या होगा, तुम अगर वक्फ करोगे कोई दम क्या होगा, चैन हो जाएगा दिल को मेरे अज़राए करम, मेरी आँखों पे रखोगे जो कदम क्या होगा, मेरी आँखों पे रखोगे जो कदम क्या होगा। मख्तार से मुसहफी बस उसके जो मुआ जाता हो, मुसहफी वसल में उसके जो मुआ जाता हो, उस पे अय्याम में जुदाई में सितम क्या होगा, उस पे अय्याम में जुदाई में सितम क्या होगा, मुझ मेरी आँखों पे रखोगे जो कदम क्या होगा, दोबारा सुनाइए जो करम क्या होगा। शुक्रिया, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया माशाल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। आप एरिजोना में हैं इस वक्त तो हमारे काशी भाई के करीब, तो जी बिल्कुल, तो दिल से करीब हूं मैं। हाँ तो फिर आपके लिए तो बहुत आसानी है, आपको तो बहुत इसलाह भी मिलती होगी, मैं थोड़ी सी मैं मुझे जेलसी हो रही है। तो अच्छा तो आप भी आ जाएं, नहीं अब जूम की वजह से शायद और ज्यादा मुलाकात हो जाए। तो मुसफी के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि शायरी में उनका कोई मखसूस रंग नहीं था, कभी वो मीर की तरह, कभी सौदा की तरह और कभी जुरत की तरह शेर कहते, लेकिन अगर आप तवज्जो से उनका कलाम पढ़ें तो मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। तो आइए हम प्रोग्राम के आखिर में बेरिया के हर दिल अजीज गुलूकार जनाब रवि साहब से गायकी में मुसफी का एक और कलाम सुनते हैं, और वो कुछ ऐसा है कि हम ये आखिरी दफा आखिरी है तो हम ये भी एक तरन्नुम में गायकी से रवि साहब से सुनते हैं। तो रवि साहब आप अगर मौजूद हैं तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रवि साहब से मेरी एक दरख्वास्त है कि हमें अपना जो पूरा नाम है वो जरा लिखकर भेज दीजिए, ताकि जब मैं रुको यार वो कैप्शन देता हूँ ना आपके नाम उस पे वीडियो पे, तो मैं नाम आपका लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल जी। तो ये गजल जो मैंने इंतखाब की है वो कुछ इस तरह है, तरन्नुम से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है, लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है, कौन से
शहर में होता है किधर होता है, मोहब्बत में असर होता है, कौन से शहर में होता है किधर होता है, उसके कूचे में है नित सूरत बेदाद नई, उसके कूचे में है नित सूरत बेदाद नई, कत्ल हर खस्ता बअंदाज़े दिगर होता है, नहीं मालूम के मातम है फलक पर किसका, नहीं मालूम के मातम है फलक पर किसका, फलक पर किसका, रोज क्यों चाक गिरे बाने सहर, वाह वाह क्या बात, के गरीबाने सहर को कहां से कहां आपने लग, वाह वाह वाह, वही अपनी भी है, वही अपनी भी है बारीक तरज मुँह गर्दन, बाल से भी बारीक, वही अपनी भी है बारीक तरज मुँह गर्दन, तेज के तेग के साथ यहाँ जिक्र कमर होता है, वही अपनी भी है बारीक तरज मुँह गर्दन, तेग के साथ यहाँ जिक्र कमर होता है, करके मैं याद दिल अपने को बहुत रोता हूँ, करके मैं याद दिल अपने को बहुत रोता हूँ, जब किसी शख्स का दुनिया से सफर होता है, करके मैं याद दिल अपने को बहुत रोता हूँ, जब किसी शख्स का दुनिया से सफर होता है, उसकी मिजगां का कोई नाम न लो क्या हासिल, उसकी मिजगां का कोई नाम न लो क्या हासिल, मेरा इन बातों से सुराख जिगर होता है, मेरा इन बातों से सुराख जिगर होता है, और मुख्तार है कि मुसहफी नाम को मुसहफी हम तो तेरे मिलने को आए कई बार, मुसहफी हम तो तेरे मिलने को आए कई बार, ए दीवाने ए दीवाने तू किसी वक्त भी घर होता है, हम तो तेरे मिलने को आए कई बार, ए दीवाने तू किसी वक्त भी घर होता है,
कौन से शहर में होता है, किधर होता है, लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है। ये थी भी बहुत खूबसूरत जो आपने पढ़ी, लेकिन तरन्नुम बहुत खूबसूरत। और आप पहले ही नहीं आए, आप हर दफा आया करें, आप अगली दफा भी जरूर आएगा प्लीज। बेशक बेशक। हाँ, और बहुत मतलब ये कि मतलब समझ में तो सब कुछ आ गया, लेकिन आपका तलफ्फुज बहुत खूबसूरत। एक मुझे तो नजर नहीं आई कि आपकी कोई गलती हुई, और शायद अब्दुल सत्तार साहब को लगी हुई, लेकिन मुझे तो नहीं लगी। बहुत खूबसूरत। नहीं, माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी अदायगी इसको। बहुत अदायगी, बहुत खूबसूरत थी। नहीं, बहुत अच्छी अदायगी जी। अगर अवार्ड दिया जाए आज की महफिल में तो आपको मिलना चाहिए मेरे ख्याल। बिल्कुल मिलना चाहिए, और सबसे कम नंबर तो मेरे है ना। कोई अगर गलती आ गई हो तो जरूर निशानदेही करें, और मैं उसकी उसको दुरुस्त। नहीं, ये कसर नफसी से काम नहीं लीजिए, माशाल्लाह इज अ गॉड गिफ्टेड थिंग, गॉड गिफ्टेड। माशाल्लाह आवाज भी अच्छी है और अदायगी। शुक्रिया। बहुत मतलब वेरी मूविंग जैसे कहते हैं ना, यानी दिल में लगने वाली आवाज है। तो गजाली साहब कम्पीट करते हैं कि कौन ज्यादा गलतियां करेगा। तो अब हम इख्तिताम पे पहुंचते हैं। अब मेरा जो मैं जो अपना बोलना चाह रही थी वो इख्तिताम पे पहुंच रहा है। तो मुसफ़ी उर्दू में टकसाली शायरी के आखिरी बुजुर्ग समझे जाते हैं, और उन्होंने शायरी में कदीम महावरात बरकरार रखे। मुसफ़ी 1844 में लखनऊ में इंतकाल कर गए, और वहीं उनकी आखिरी आरामगाह है। तो इस सारी तफसील के बाद इसके साथ मैं अपना बयान मुसफ़ी तमाम करती हूँ, और आप सबकी तवज्जो का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा मैं अरशद भाई का करती हूँ, जो मुकम्मल तरीके से मेरे साथ हमेशा बहुत ही जैसे कहते हैं ना यकीन के साथ काम करते हैं। कि ये शुरू में तो इसकी हालत इतनी खराब होती है कि हर सेंटेंस के बाद, हर जुमले के बाद मुझे इसलाह करनी पड़ती है, लेकिन इनका यकीन मुझ पे इतना ज्यादा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख सीख के यहाँ तक पहुंच गई हूँ। और इंशाल्लाह और भी इससे आगे इससे भी ज्यादा मुश्किल उर्दू बोलने में कामयाब रहूंगी। तो अब मैं माइक जो है वो जूम का माइक वो मैं काशी भाई के हवाले करती हूँ, जो इस महफिल का सही तौर से इख्तिताम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका माइन। खातिन हज़रात, ये सिलसिला ताज़ा है इख्तितामी का, और ये अज़ीज़म अरशद रशीद की ज़िद है कि ऐसा हो, और ज़ाहिर है कि यहाँ शरीक होना मेरे लिए हमेशा बाइस मसर्रत होता है। यहाँ ना तो मैं ये मौजूआत इतने वसी होते हैं कि उस पर मुख्तसर गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं जब बात हो रही थी तो मैं लिखता जा रहा था, तो चंद चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। तो ख़वातीन हज़रात, पहली बात तो माहीन के बारे में कि इनको अदबी ज़ौक़ विरासत में मिला है, उर्दू ज़बान भी इनका वरसा है, और इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ इस वरसे को संभाल रखा है, और वक्तन फ़ौक्तन इसकी आबियारी के सामान भी फराहम करती रहती हैं। इनके वालिद मोहतरम सही मानों में पढ़े लिखे इंसान थे। पढ़े लिखे का लफ्ज़ आजकल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि माजरत के साथ आजकल की तालीम के बारे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि लोग डिग्री याफ्ता हैं। पढ़े लिखे का लफ्ज़ पुराना एक्सप्रेशन है, और इसके ये उन लोगों के बारे में होता था जो बैक वक्त मैथमेटिशियंस भी होते थे, म्यूजिशियंस भी होते थे, और भी बहुत सारे अदबी काम करते थे, फ़लसफ़े से भी उनका कोई ताल्लुक़ हुआ करता था। तो माहीन के वालिद मोहतरम उन चंद पढ़े लिखे लोगों में से एक थे, नहायत बाज़ौक़ शख्सियत,
उनसे एक ही मुलाकात का शरफ हासिल हुआ, लेकिन एक ऐसी मुलाकात जो मेरे लिए उम्र भर का असासा साबित हुई। माहीन जिंदा मिसाल है इस बात की कि साइंस और उर्दू जुबान व अदब से बेक वक्त मोहब्बत की जा सकती है। एक तरफ तो सबूत की जिंदगी है और एक तरफ ख्यालात की जिंदगी है, और माहीन बहुत खूबसूरती से इन दोनों को निभा रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी उर्दू एकेडमी की महफिल में सरगर्म रहेंगी। आज उन्होंने बहुत खूबसूरती से, बहुत इत्मीनान से और बड़ी नफासत के साथ निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दो एक गुजारिशात मज़मून के हवाले से, मज़मून बसीत था, वक्त ज़ाहिर है कमी की वजह से हमें चीज़ें तलाश करना पड़ती हैं कि जो कहा क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए। एक समंदर है मालूमात का, उसको लिटरली कूजे में बंद करना होता है, ये बड़ा मुश्किल काम है, तो मैंने बहुत उम्दा काम किया है। मैं दो एक बातें कहना चाहता हूँ कि मुसफ़ी के लातादाद शागिर्द थे, लातादाद शागिर्द थे, और बकौल तन्हा इन्होंने अपने तबसरे में लिखा था कि लखनवी शायरी के बाबा आदम यही बुजुर्गवार हैं। और लखनवी शायरी और दहलवी शायरी ये दो मकतबे हैं, दहली शायरी दाखलियत की शायरी है और लखनवी शायरी अर्जियत की शायरी। तो ये बात, ये एक फकरे में मैं ऐसे ये बताने की कोशिश करूँगा कि दाखलियत ज़ाती जज्बात की शायरी होती है, जैसे मीर तज़ी मीर की शायरी है, और जो खारजियत इंशा जुरत वगैरह जिसमें जिस्मानी गुफ्तगू होती है, और वो एक अरसे के बाद फिर वो चीज़ नहीं चली। आतिश, ज़मीर, खलीक और असीर, ये चंद बहुत बड़े नाम हैं उस ज़माने के, और ये सब मुसफ़ी के शागिर्दों की फहरिस्त में आते हैं। कहा जाता है कि इनके शागिर्द इस आला पाए के शागिर्द थे कि उनके शागिर्द भी बड़े बड़े उस्ताद बने उर्दू अदब में। मिर्ज़ा दबीर, मीर अनीस, जो उर्दू शायरी के बहुत बड़े और बहुत अहम नाम हैं, ये दोनों मुसफ़ी के शागिर्दान रशीद ज़मीर और खलीक के शागिर्द थे। अब मैं आता हूँ सर, जो अजीज़ा ने खरीद व फरोख्त का तस्करा किया था गज़लों का, मेरे इल्म में ये बात नहीं है और मुमकिन है, ये ज़रा गुफ्तगू बंद की जा सकती है? कोई दीपक साहब है आसिम? हाँ, मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा, शुक्रिया। तो मेरे इल्म में नहीं है ये बात, लेकिन ये कोई सबूत नहीं है इस बात का कि ये बात एग्जिस्ट नहीं करती। मेरा सिर्फ एक दरख्वास्त है इनसे कि जब हम ऐसी कोई बात करें तो हमें हवाला ज़रूर देना चाहिए, किताब का भी और किताब निगार का भी। किसी ने कोई बात की है तो हमें कह देना चाहिए कि फलां साहब ने ये बात की है, ताकि फिर अगर उसकी तहकीक की जाए तो हमारे पास रास्ता हो वहाँ जाने का। क्योंकि ये बात मेरे इल्म में नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो मुझे अगर लिंक भेज दें ताकि इस पर मैं मज़ीद तहकीक कर सकूँ। जहाँ तक बात फरोख्त करने की, वो होता ही है कि जो पुराने असातिज़ा थे, और अब आजकल भी होता है, ये होता है, होता रहेगा, बहुत दफ़ा जो आपके शागिर्द होते हैं वो जो कुछ आपको इस्लाह के लिए पेश करते हैं वो इस काबिल नहीं होता कि उनकी इस्लाह पे वक्त ज़ाया किया जाए, और वो इस्लाह में कई दफ़ा बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। तो उसकी बजाय असातिज़ा ये किया करते थे कि वो उनको नई गज़ल लिख के देते थे उनके मज़ामीन के साथ, उसी वक्त बैठ के उनको गज़ल लिख के पकड़ा दिया करते थे। तो ये काम बहुत होता है, हर ज़माने में हुआ है, हर उस्ताद ने किया है, और आज भी होता है, और उसी तरह से होता है। अब एक्चुअल फरोख्त का ज़ाहिर है गुर्बत सब पे आती है, मीर के साथ भी ये हुआ, 11 साल की उम्र से मुलाजमत के चक्कर में पड़ गए थे, तो ये हर एक गुजरता है उससे, और बुरे अच्छे वक्त सब पे आते हैं। अब हमारे ज़माने के कई जदीद शोरा हैं जिन्होंने बाकायदा अपने कलाम को फरोख्त किया है और उस पर किताबें लिखी गई उन पर। बहरहाल
ये चीज़ें होती रहती हैं वक्त के साथ साथ। बस मेरी दरख्वास्त ये है कि जब हम ऐसी कोई भी बात करें, जो ऐसी मुख्तलिफ बात हो, तो उसके लिए हवाला देना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जनाब, उन्होंने एक सवाल मुझसे किया था और वो मैंने अर्ज किया था कि उसका जवाब मैं इस वक्त दूंगा। मुसफ़ी पे ये इल्ज़ाम एक जगह से नहीं आया, मुसफ़ी पे ये इल्ज़ाम बहुत जगहों से आया और लोगों ने कहा कि इनकी अपनी शायरी कोई वक़्त नहीं रखती थी, कि मुसफ़ी की जो उसमें अपने कलाम में कोई अपना तजुर्बा अपनी गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि उन्होंने दूसरे शोरा के कलाम का चरबा पेश किया। तो ये बड़ी एक्सट्रीम राय है मुसफ़ी साहब के बारे में, जो दुरुस्त नहीं है, लेकिन खाल खाल उसकी मिसालें मौजूद हैं कि ऐसा हुआ है। होता है कि जब एक शायर आगाज़ करता है, ये बड़े बड़े शोरा के बारे में आप सुनिएगा कि अब नासिक आदमी हमारे अहद के बहुत बड़े शायर हुए हैं और मीर पे उनका रंग बहुत नुमाया है और वो ख़ुद इस बात को तस्लीम करते हैं और वो हिजरत की बात है, क्योंकि उन्हें भी मीर के कलाम में भी हिजरत का बहुत बड़ा हिस्सा है, दिल्ली के उजड़ने का और के बर्बाद होने का। तो उसमें वो एक रंग ऑटोमेटिकली आता है, उसको नक्काली नहीं कहा जाता। वो आप जब किसी से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, कोई चीज़ आपको बहुत भली लगती है, तो आपके दिल में उतर जाती है और वो फिर आपके साथ रहती है, आपके साथ चलती है। वो अल्फाज आपकी गुफ्तगू का, आपकी ज़िंदगी का, आपके शऊर का, आपकी सोच का हिस्सा बने रहते हैं। तो एक सोच ये भी हो सकती है और दूसरी सोच, जिसे हम आजकल के ज़माने की सोच कहते हैं, कि वो नक्काली है, किसी का चरबा किया गया, किसी का ख्याल चुराया गया। एक चीज़ होती है, इसे हम तवारुद कहते हैं, और तवारुद होता है, होता रहेगा। ज़िंदगी तो एक ही है, तजुर्बात भी तकरीबन मिलते जुलते ही होते हैं। तो उसमें ये होता है कि किसी एक शायर ने वो बात कही है, ये अल्लामा इकबाल के यहाँ आपको मिलेगा, ये बड़े बड़े शोरा के यहाँ आपको मिलेगा, कि किसी फारसी के शायर ने कोई बात की, वो उनके दिमाग में रही या नहीं रही, और मुमकिन उन्होंने पढ़ा भी ना हो, लेकिन अल्लामा इकबाल का अपना तजुर्बा भी वो था। माफ़ कीजिएगा, मेरी याददाश्त इतनी ख़राब है कि मैं ये चीज़ें आपको इस वक्त पेश नहीं कर सकता। अगर किसी को मेरी किसी बात पर कोई सवाल हो, मुझे आप भेज दीजिए या अरशद भाई को बता दीजिए, ताकि वो मुझे सवाल भेज दें, मैं आपको उसका सबूत मुहैया कर दूंगा। बस याद नहीं रहती चीज़ें। तो बात मुसफ़ी की हो रही थी, मैं वहीं तक मुख्तसर रखूँगा ताकि मज़ीद गुफ्तगू लंबी ना हो। तो सच्चाई जो है, इसको हसरत मोहानी साहब ने, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ चीज़ें अपनी, के हसरत मोहानी साहब ने इसको यूं बयान किया है कि मुसफ़ी की गज़लों में, इधर गौर से सुनिएगा ये अल्फाज, हसरत मोहानी खुद बहुत बड़ा शायर है, एक बहुत बड़ा अहद है हमारे जदीद शोरा के लिए, एक बहुत बड़ा नाम है हसरत मोहानी का, जिनसे सब लोगों ने इस्तफादा किया है, जिनमें फैज़, फराज, नासिक आदमी वगैरह तमाम लोग शामिल हैं। तो वो कहते हैं कि मुसफ़ी की गज़लों में कहीं मीर का दर्द है, कहीं सौदा का दबदबा है, कहीं फ़ुआ की रंगीनी है, कहीं सोज की सादगी है, कहीं जुरत की सलासत और हकीकत नवीसी है, तो कहीं इंशा के अंदाज का तंतना और जबरूत है। अब ये देखिए, एक बात को मनफी अंदाज से कहा जा सकता है और दूसरी बात को मस्बत अंदाज में पेश किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हजरत मोहानी ने बड़ी तहजीब के साथ, मोहब्बत के साथ, बग़ैर उनको नीचे गिराए, वो बात कह दी है जो बाकी लोग भी कहते हैं। बात कहने का सलीका होना चाहिए। तो ये तो बात थी मज़मून के बारे में। महफिल की खातिन आज़ाद कामयाबी का दारमदार कई अवामिल पे हुआ करता है, और उसमें पहली बात तो ये है कि पढ़ने वाले जो हैं, जो शिरकत कर रहे हैं, जो आप तक मालूमात लेके आ रहे हैं, या जो कलाम शायर का पेश कर रहे हैं, वो किस ज़ौक और शौक़ से आपकी खिदमत में वो लेके आते हैं। हर एतबार से आज की महफिल एक बहुत कामयाब महफिल रही है, और इसके लिए मैं अज़ीज़ अहमद शाह रशीद को और आप सबको फर्दन और इज्तमाही तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं ख़ास तौर पे फर्दन मोहतरमा अंजुम ज़ीशान साहिबा, जनाब तसद्दुक़ ग़त्तारी साहब, जनाब मुकेश कक्कर साहब, मोहतरमा बानो विजयपुरा साहिबा,
جناب حاتم رانی صاحب، محترم غزالی صاحب، جناب معیز خان صاحب، محترمہ زیبہ رضوی صاحبہ، جناب اسد خان صاحب، جناب جاوید کاظمی صاحب اور جناب روی صاحب، ان تمام کا ذاتی طور پہ اور اردو اکیڈمی کیلیفورنیا کی جانب سے تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محفل کو یہ رنگ بخشا اور اس کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ یہاں تھے. دو باتیں آپ کی اجازت سے اور کہنا چاہوں گا. جو نئے لوگ ہیں بہت مجھے خوشی ہوئی ہے, میں نے انجم ذیشان کو پہلی بار سنا ہے, بانو وجے پورا صاحبہ کو پہلی بار سنا ہے اور اسد خان صاحب کو پہلی بار سنا ہے. اسد خان صاحب بہت, آپ نے سب نے ان کی بہت تعریف کی ہے اور ظاہر ہے کہ تعریف کے قابل تھے. ان کا تلفظ جیسا کہ غزالی بھائی نے اس کا تذکرہ کیا, بالکل بہت عمدہ تلفظ تھا اور گائیکی نہایت عمدہ گائیکی تھی. جاوید کاظمی صاحب ہمارے علاقے کے ہیں, ہمارے بھائی ایریزونا سے ہیں, آپ نے انہیں اپنی محفل میں جگہ دی, آپ نے اپنے دامن میں سمیٹا, بہت خوشی کی بات ہے, بہت میں شکر گزار ہوں ذاتی طور پہ آپ کا. اور روی میاں جو ہیں یہ تو جب پڑھتے ہیں تو مجھ پہ تو ایک لوری کا سا اثر ہوتا ہے ان کی آواز سے. یہ ان کو میں نے اب دو تین دفعہ سن لیا ہے, آپ ہی کی محفل میں پہلی دفعہ سنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ہم پہ کرم فرمایا اور یہ ہماری اریزونا کی محفلوں میں دو ایک بار آئے. اب ان کا تلفظ, ان کی سلیکشن اور ان کی گائیکی جو ہے وہ ایک بہت منفرد ہے اور اس میں کوئی سجاوٹ دکھاوٹ نہیں ہے. سب سے بات ان کی سادگی ہے, ادائیگی کی سادگی, ادائیگی کی خوبصورتی. اور میں بہت 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 میرے پاس لفظ نہیں ہیں ان کی تعریف کرنے کے لیے. ارشد میاں آپ کو بہت مبارکباد, آپ جس خوبصورتی سے چلا رہے ہیں اور سب لوگ جس محبت سے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اس سے میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ تاشی سر. دیکھیے سر, میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ یہ جو نیا سیگمنٹ ہے یہ یقیناً لوگ سننا چاہیں گے اور اس سے کچھ سیکھ کر جائیں گے, تو میری بات سچ ثابت ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی, بڑی نوازش. تو خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی میں آج کی ادبی محفل کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. ماہین, آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اتنی محنت سے اور اتنی خوبصورتی سے آج کا پروگرام پیش کیا. اور یہ جو آپ روی صاحب سے کہہ رہی تھیں نا کہ آپ کہاں تھے اتنے دنوں سے, تو اصل میں گمشدہ وہ نہیں, آپ تھیں. وہ تو آتے ہیں پروگرام میں, آپ نہیں آتی, تو اب ہم امید کریں گے کہ آپ باقاعدگی سے پروگرام میں آئیں گی اور پھر نظامت کی عبارت بھی سنبھالنے کے لیے ہماری مدد کریں گی. تو بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا بھی جنہوں نے شرکت کی اور اس پروگرام کو خوبصورت بنایا اور جنہوں نے غزلیں پڑھی. انشاءاللہ اگلی ماہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ. شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. شکریہ.